नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आनंद देवा माधुर्य देवा माझा देवा हरि ओम 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 बैठो लाला लालिया आप खुले खुले बैठो। अभी अभी शरबत पिलाने का काम चालू करना है। तरबूज का शरबत तरबूज ला काय सांगते तुम्हें तरबूज का रस अभी पीना है। गर्मी हो रहा है। मैं तरबूज खाया तो फीका फीका था तो मैं बोला शरबत बना के उसमें शक्कर डाल के सबको पिलाएंगे। 2000 किलो तरबूज लाए कोई मैं तरबूज पर बनाते जाओ जितना बनाया और 25% ज्यादा बनावे और तरबूज का रस बांटना चालू करो। गर्मी है मैं तरबूज खा के आया तो तुमको कैसे नहीं खिलाना। तरबूज का रस बांटना चालू करो। हरिओम हरिओम। अभी रेलगाड़ी भी चलेगी। रेलगाड़ी ले आओ। रेलगाड़ी में सत्संग करते सगड़े खाली बसा चला उकर लवकर मी तिकड़े इते मी इतो तिकड़े आओ है ना। आज शाम को अच्छी तरह से सत्संग और ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा शरबत पियो थोड़ा भक्ति का शरबत पियो और छुट्टी। गर्मी हो गई। शाम को सत्संग अच्छा देर तक करते। जो प्रकाशा के नहीं है दूर से आए तो हाथ ऊपर करो। जो प्रकाशा के हैं वे हाथ ऊपर करो। प्रकाशा वाले जो प्रकाशा के हैं वे हाथ ऊपर करो। प्रकाशा वाले अरे प्रकाशा वाले नहीं है क्या। अरे प्रकाशा वाले हाथ ऊपर करो ना। थोड़े थोड़े हैं। शादा वाले हैं तो हाथ ऊपर करो। ओ डोंडाइसा है तो हाथ ऊपर करो। नहीं और नंदुरबार ओ तलोदा अरे रेलगाड़ी आओ जल्दी। तलोदा वाले आए रेलगाड़ी देखेंगे। और शरबत बांटना चालू करो। उसके पहले पहली उंगली अंगूठे से एक कर दो। तीन उंगली सीधी लंबा श्वास खींचो। हरि ओम हरि ओम होठ बंद हरि माना जो पाप ताप और अहंकार हर ले। हर ले माना चुरा ले अपने को पता भी नहीं चले और अपना ज्ञान शांति निर्भयता दिव्य गुण भर ले उसी का नाम है हरि ओम। नाम जपत मंगल दिशा दशहुं। भगवान नाम जपते ही दसों दिशा में मंगलमय वातावरण हो जाता। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी सिख धर्म के ग्रंथ बोलते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। गहने गाठे तो अमंगलमय है। शमशान की भभूत है सांप है मृगचर्म चमड़ा है लेकिन ओमकार का अर्थ समझकर शिवजी समाधि में रहते
शिव जी पूजने योग्य है, शिव जी का स्मरण करने से भी लोगों का भला होता है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। बोगुण नाम पहले वैखरी वाणी से जपा जाता है, फिर कंठ से जपा जाता है मध्यम, फिर हृदय से पश्चंती में ले जाते और उसके बाद उसके अर्थ में ही मन शांत हो जाए, बीच बीच में दीर्घ प्रणव कर दिया ओम, इससे आत्म परमात्मा की एकाकारता प्राप्त होती है साधक को। वाणी का मौन रखने से शक्तियां प्राप्त होती है लौकिक, मन की एकाग्रता से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है और बुद्धि के एक निष्ठा से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है। हमको भगवान बनाना नहीं है, हम परमात्मा बनाना नहीं है, हमको परमात्मा के पास जाना भी नहीं है और हमको परमात्मा होना भी नहीं है, लेकिन हमारा अंतर आत्मा परमात्मा के साथ अभिन्न है। जैसे तरंग पानी से अभिन्न है, गहना सोने से अभिन्न है, घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, ऐसे ही हमारा आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। लेकिन हमारी आत्म जागृति नहीं होने से मरने वाले शरीर को हम मैं मानते हैं और मिटने वाली वस्तुओं को हम मेरा मानते हैं और जीने की इच्छा करते हैं तो जीव हो जाते हैं, मरने का भय करते हैं। हकीकत में हम शरीर नहीं है। जैसे हम कार में बैठे, गाड़ी में बैठे तो हम गाड़ी नहीं है, बस में बैठे तो हम बस नहीं है, कमरे में बैठे तो हम कमरे नहीं है, ऐसे हम शरीर में हैं फिर भी शरीर हम नहीं है। शरीर हमारा साधन है। शरीर तो मैं मानते तो शरीर के दुख बहुत ज्यादा सताते। दुखों की जड़ काटने के लिए भगवान की वाणी को स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरे वंशज हैं। तो जैसा दादा है परदादा है वैसा ही बेटा पोता परपोता होता है ना। तो भगवान जब बोलते हैं ये सब मेरे वंशज है, तो भगवान की बात बड़ी कि अपनी कल्पना बड़ी? भगवान की बात बड़ी, भगवान की बात सच्ची। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हम सनातन है। शरीर सनातन नहीं है, शरीर को भी 60 साल 50 साल 40 साल 80 साल पहले जन्मा, बचपन मर गया पता नहीं चला, जवानी मर गई पता नहीं चला, दुख मर गए सुख मर गए, लेकिन उसको जानने वाला नहीं मरा, वही हमारा सनातन चैतन्य आत्मा है। भगवान ने बहुत बड़ी भारी कृपा किया कि अपना अनुभव बताकर भक्तों को अपने से मिलने का सीधा एड्रेस दे दिया एकदम धड़ाक से। नौकर बोले कि सेठ जी इधर मिलेंगे, सेक्रेटरी बोले कि मिनिस्टर यहां मिलेंगे, तो संदेह है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, वहां मिलूंगा वहां नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसे हूं और तेरे साथ इस तरीके से हूं, तो फिर देर कहां है, दुर्लभता कहां है। परीक्षत को 7वें दिन ये बात समझ में आ गई, आसुमल को 40 दिन में समझ में आ गई, 40 साल में भी समझ में आ जाए तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान क्या बोलते? भगवान बोलते हैं
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवलोक में अनेक प्रकार के जो जीवों के आकृति में लोग दिख रहे हैं, घूम रहे हैं, ये मेरे वंशज हैं। तो भगवान की बात वेदों, और भगवान अपने घर से नहीं बोलते, वेदों की परंपरा से, वेद सम्मत है। कोई व्यक्ति अपना अनुभव बोले, वो सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं, तो भगवान भी अपना अनुभव से बोले। नहीं, भगवान अनुभव तो है लेकिन वेद के सम्मत है, इसीलिए अकाट्य है। भगवान को हम मानते हैं, मुसलमान नहीं माने, ईसाई नहीं माने, तो वो सिद्धांत फिर सबके लिए नहीं हुआ। लेकिन वेद की बात तो मानव मात्र के लिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव जो है वो सनातन है, मरता जन्मता शरीर है, बीमार और तंदुरुस्त होता है शरीर, दुख और सुख होता है मन में, चिंता निश्चिंतता आती चित्त में। तो ये हमारे साधनों में होता है, बीमारी शरीर के साधन में। तो हम नासमझी से शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानते, तो बीमारी गहरी होती। जैसे एक्सीलेटर देते हैं ना तो ब्रेक का प्रभाव कम हो जाता है। हम जिस वस्तु को महत्व देंगे बस वहां ऐसा दिखेगा, क्योंकि हम सनातन है। ये बदमाश है, ये ऐसा है वैसा है, हमने मान लिया है, तो उसको देखते ही हमारे मन में ऐसे ही विचार और ऐसे ही अशांति आएगी। और ये साधु है, भगवान के लिए साधु के वेश पहने हैं, भीख मांगने वाले साधु के वेश में, वो साधु नहीं है, ये तो भजनानंदी साधु है। ऐसा हमारे मन में आते ही हमारा मन सद्भाव से भर जाएगा। ये बापू जी है लेकिन अच्छे नहीं है, ऐसे है वैसे है। लोग बापू जी करके इनके पीछे लगे, लेकिन ये तो बेकार है। तो बापू चाहे कैसे हो, बेकार सोचने वाले के दिल में बेकार बेकार और चेहरे पे भी बेकार बेकार रेखाएं आ जाएगी, है ना। ये बापू तो बहुत चंगले बच्चे अच्छे। अब बापू अच्छे के बुरे है छोड़ो, लेकिन आप जैसा अंदर सोचते ऐसा तन पे मन पे बुद्धि पे असर हो जाती, क्योंकि आप सत्य संकल्प है। चीज वस्तुओं को महत्व देकर उनका कीमत तुम ही बढ़ाते हो। तुम जिस पर मीठी नजर करते हो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिस पर तुम नफरत की नजर करते हो वो बेकार हो जाता है। तो बोलो, तुम भगवान के वंशज हो कि नहीं हो, सत्य संकल्प हो कि नहीं हो। फिर भगवान ने एक बात और हमारी कमजोरी को देखकर ऐसी कृपा किया कि एकदम एकदम खुली बात कह दी। ऐसी बात कह दी कि अगर आप ठान लो तो अभी भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। एक तो कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो हम ये जीव जो भी जीव जाते हैं हम सनातन है, मरते जन्मते शरीर है हम वैसे के वैसे। ये बात तो पक्की हो गई, और है भी, पिता का श्राद्ध करते तो पिता का शरीर तो मर गया, फिर भी पिता है ना, नरक में है स्वर्ग में है वैकुंठ में है ना, तो सनातन है। मेरी नानी मर गई थी, मेरी माँ की माँ, और शमशान में ले गए, लकड़ियों पर रखा और ऊपर एक लकड़ी रखा तो हिली, तो जल्दी 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 चाकूवा गुल्ला है कैसे भी कर। गई थी तो कंधे पे और आई तो चल के आई, हेमीबाई उसका नाम था। 39 साल तक जिए, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। इतना बड़ा कसम है, अपने प्यारों की कसम खाते, या तो भगवान की या तो अपने मित्रों की या तो अपने पुत्र पुत्रियों की। तो बापू मानते तो पुत्र पित्री, नहीं तो मित्र मानते तो मित्र है? ऐसे अपने पुत्र पुत्रिया मित्र मित्रियों के कसम झूठी खाना, कोई इतने लोगों के बीच कसम खाना
कोई मजाक की बात है क्या? मैं झूठी कसम खाऊं तो मेरे प्रभाव और पुण्य नाश हो जाए। जो झूठ बोलते हैं ना, उनका प्रभाव और पुण्य नष्ट हो जाता है। सत्य के समान तप नहीं, झूठ के समान पाप नहीं। अगर ये बात मैं झूठी बोलूं मेरी नानी की, तो आप सब अभी मर जाओ सब बस। लेकिन क्यों मरोगे? मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा देहाध्यास, मरे तुम्हारी अहंता ममता, मरे तुम्हारी अविद्या अस्मिता राग द्वेष। तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु का रस पियो और बेड़ा पार करो। तुम काहे को मरो? मेरी नानी से पूछा गया कि तुम मर गई थी कितना घंटे पहले, और नहलाया धोलाया रोए धोए सब, ये सब फॉर्मेलिटी करने के बाद शमशान तक पहुंची, तब तो तुमको पता नहीं था। एकाएक कैसे जिंदी हूं? तो बोले मेरे को कोई ले गए और वहां ऐसे ही भयंकर भयानक भयानक तो जमदूत है, ऐसा ऐसा होता। मैंने कहा मैं तो संत का दीक्षा लिया है, यहाँ तो पापियों की जगह, मेरे को पाप जगह में काय को लाए रे, नरक में काय को लाए, मैंने क्या पाप किया? मैं तो जप करती हूँ। फलाने संत चेवराम महाराज उस समय के थे, उनसे मैं दीक्षा लिया है। तो बोले तुम हेमी बाई है ना? बोले हाँ। तो हेमी बाई प्रीतम दास? बोले हूँ। तो हेमी बाई पहला जो है? बोले हूँ। तो क्या हो? ऐसे बोलते बोलते हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। अरे तो गलती हो गई, यमराज ने आंख दिखाई कि मूर्ख हो, जाओ जल्दी उनके शरीर में स्थित करे, अनर्थ हो जाएगा। तो गलती वहां भी होती है यहां भी होती है। मेरी बहन सगी थी, उसको पेट में जलंधर भगंदर की तकलीफ थी। मणिनगर में वाड़ीलाल ये लल्लू भाई गोर्धन दास हॉस्पिटल है मणिनगर में, वो खेत थे। हम स्कूल में जाते थे तो चल के जाते, हमारे सामने ही वो हॉस्पिटल बनी हम जब बच्चे थे तब। आज से लगभग वो स्कूल ये हॉस्पिटल 60 साल पुरानी है, लल्लू भाई गोर्धन दास हॉस्पिटल। उसमें भर्ती हुई और सुबह सुबह स्ट्रक्चर पर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो मेरी बहन का नाम था मीराबाई, बोले तुम मीराबाई का जब ऑपरेशन ऐसे करके उसकी टांग का काटने का प्रोग्राम। तो उसमें बोले टांग को क्या? बोले टांग काटने का तुम मीराबाई होने? बोले मीराबाई तो हूँ, लेकिन मेरे को तो पेट का जलंधर भगंदर है, टांग काटने से पेट का ठीक होता है क्या? बोले तुम मीराबाई? बोले मीराबाई तो है, लेकिन पीछे किसका नाम है? बोले फलाना। बोले नहीं नहीं मेरे तो फलाने है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या काट देते तो क्या सॉरी मोरी। ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। तो अब भगवान क्या बताते सार बात? भगवान कहते हैं, एक तो तुम सनातन हो, भगवान और शास्त्र की बात आप मान। दूसरी बात भगवान कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत, मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म भूत, ये अष्टदा प्रकृति से मैं भिन्न हूं। भगवान बोलते मैं इनसे अलग हूं। अब अलग हूं कहने से भगवान का उद्देश्य कितना ऊंचा है कि पहले तो कह दिया कि आप मेरे वंशज हो, फिर कह दिया कि अष्टदा प्रकृति से मैं अलग हूं। दादा जिससे अलग है तो वंशज भी अलग हो गए ना, बाप अलग है तो बेटे भी अलग हो गए ना। तो पांच भूत मन बुद्धि और अहंकार ये अष्टदा प्रकृति से मैं अलग हूं। तो आप भी अपने को भगवान के ज्ञान में अपना ज्ञान मिला दो। कैसे मिला दे? कि पंचभौतिक शरीर से आप अलग हैं, बचपन से आप अलग थे, बचपन चला गया आप हैं, जवानी चली गई आप हैं, बुढ़ापा है आप हैं, लेकिन शरीर चला जाएगा फिर आप रहेंगे, तो आप भी तो अलग हैं ना। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं या भगवान बोलते आप मान लो,
वेद शास्त्र गुरु और अपनी युक्ति भी लगे तब बात आप सच्ची मानो। ये युक्ति तो लगती है ना कि आपका शरीर जाने के बाद भी आप रहते तो शरीर से आप अलग है ना। माताएं बहनें समझ रही हैं शरीर से हम अलग हैं, मन से भी हम अलग हैं। मन कभी दुखी होता है सुखी होता है हम उसको जानते। बुद्धि से भी हम अलग हैं, कभी हमारी बुद्धि अच्छे निर्णय करती कभी बुरे निर्णय करती, लेकिन अच्छे बुरे निर्णय बुद्धि के बदल जाते, लेकिन हम जूं के त्यों रहते। तो पांच भौतिक शरीर से हम अलग, मन से हम अलग, बुद्धि से हम अलग, अहंकार से भी हम अलग है। मैं लंकापति रावण हूं, अब लंका मिले तब लंकापति रावण। मैं आसाराम बापू हूं, प्रकाश आश्रम का मालिक हूं अथवा गुरु हूं। और प्रकाश आश्रम नहीं था तभी भी तो मैं था ना, अरे प्रकाश आश्रम छोड़ के चले जाएंगे तभी भी तो हम रहेंगे ना। तो किसी प्रकार का भी अहंकार हम नहीं है ना, ऐसा मेरे मन में नहीं आता कि मैं आश्रम का मालिक हूं। ये मेरी बेवकूफी भगवान गुरु ने हटा दी। शरीर के मालिक नहीं है, शरीर हमारे कहने में नहीं चलता। सफेद बाल हम थोड़ी चाहते हो गए, हम चाहते क्या बूढ़े हो जाए हो जाते, हम चाहते क्या मर जाए मर जाता है। तो पंच भौतिक शरीर आप नहीं है और आपका नहीं है, आपके कहने में नहीं चलता। मन आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, अहंकार आपका नहीं है, लेकिन ये सब जिससे दिखते हैं वो आत्मा परमात्मा तुम्हारा था तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। जेतलपुर अहमदाबाद से सटा हुआ वहां अखाराय नाम के बालक का जन्म हुआ। पिता मर गए फिर माँ मर गई, 15 साल की उम्र में वो जेतलपुर छोड़कर अहमदाबाद बसे। सोनार परंपरा में थे, सोनी का धंधा, शादी वादी बचपन में किया तो वो शादी भी पत्नी आई और मर गई। माँ को मरते देखा, बाप को मरते देखा, पत्नी को मरते देखा तो विवेक जगा कि तो सब मरने वाले काय करो। फिर कोई पड़ोस की बहन मंगलसूत्र बनाने को आई 200 रुपया, तो 2 तोला मंगलसूत्र। अब बहन मानाए तो 2 तोला क्या, 1 तोला अपने 100 रुपया अपने तरफ से डाल के बढ़िया मंगलसूत्र बना दिया। वो बाई ने जाके दूसरे सोनार को जांच कराया, क्योंकि हमने सुना है कि सोनी तो सगे बाप का नहीं होता है। सोनी कितने भी कसम खाए सोनी तो सोनी है। तो मैंने दूसरे सोनार से जाके चेक कराया कि 3 तोला है तो क्या इसमें गड़बड़ी है। तो दूसरे सोनार ने कहा बहन गड़बड़ी नहीं है, 3 तोला भी है और प्योर सोना भी है। तो देखा कि माँ गई, पत्नी गई, पिता गए, कोई किसी का नहीं। इस बहन को नहीं, उसने बोला नहीं, फिर भी मैं इतना ही ईमानदारी से किया, फिर भी विश्वास नहीं। ये जगत किसी पे विश्वास नहीं रखता, जगत तो धोखे से भरा है। सच्ची बात है, भगवान और भगवान को पाए हुए संत के सिवाय पूरा कोई कुछ बताता नहीं। पत्नी को सब बात तुम नहीं बताते, बोलो। पति को सब बात तुम नहीं बताती, मित्र को भी सब रहस्य नहीं बताते। अगर सब रहस्य कोई बताता है तो भगवान और भगवान को पाए हुए संत लोग, बस उसके सिवाय सब कोई नहीं बताता। इसे बेईमानी और दगा से भरा हुआ संसार से उनको उपरांता है। और भगवान को पाने के लिए कई मत पंथ मजहबों में गए, वहां भी देखे तो बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, लेकिन वहां सेठ लोग आते तो आगे बैठाते और गरीब लोगों को चरणामृत देके डर। कहीं नजीक अच्छे महापुरुष के नजीक बैठने का अवसर नहीं मिलता। बड़े उत्तम बुद्धि के थे,
तो एक धोबी से सेठ के कपड़े भाड़े पे ले आए, धोबी किया एक दिन में, स्त्री टाइप कपड़े अच्छे अच्छे और सोनी थे तो थोड़ी अशर्फियां थी गिनिया, बड़े अच्छी अच्छी टोपी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गए, मिठाई विठाई ले गए और बड़ा सेठ बन के गए। महाराज के पास रखा और दो गिनिया रख दी। महाराज और उसके सारे अनुयायी सब भगत राज ऐसा बैठिए ऐसा करिए ये खाइए ये खाइए, थालियां बिछ गई प्लेटें बिछ गई, भोजन समारंभ हुआ। वो कोट और पगड़ी उतार के बोले खाओ खाओ तुम खाओ। बोले क्या करते हो सेठ जी? बोले मैं तो एक दो महीने से इधर चक्कर खाता था, कोई पूछता नहीं था, ए भगवान के लिए ये रखो भगवान को ये भोग धराओ, सेठों से निकालते और मेरे को गरीब मानते थे तो मेरे को तो हुद्दुद करते थे। अब मैं आज भाड़े के कपड़े लेके आए, इन कपड़ों को तो फादर है और अशरफियों को तो अंगूठी बंगूठी पहन के, बोले ले तू खा तू खा तू खा। गुजरात में उनका प्रचार प्रसार खूब हुआ। गुरु किया कोई, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो गुरु जयपुर में मिले कोई, लेकिन वो गुरु भी कथावाचक है, बातें तो बड़ी बड़ी करते लेकिन उनके ज्ञान से आत्म शांति तो होती नहीं। कन्या मन्या कुर तू मेरा चेला में तेरा गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, इससे भी काम नहीं होता। अला बांधू बला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू साकिनी बांधू, अरे मुल्ला तू अपना मन तो बांध के दिखा। तो ऐसे गुरु से भी उसको नाराजी हो गई। ब्रह्मानंद नाम के एक संत काशी में मिले और ये आत्मा जो है अविनाशी है, प्रकृति अष्टदा है, इसको जानने वाला तुम साक्षी चैतन्य आत्मा ब्रह्म तुम ही हो। अखा भगत कहते हैं कि गुरु के ज्ञान मिला तो ब्रह्मानंद तो मेरा आत्मा, कहीं गए नहीं कहीं लाए नहीं कहीं बुलाए नहीं, अपना आपा था आज बेपर्दे हुआ, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो मैं खुद पे मस्ताना हो गया कि मेरा आत्मा ही परमेश्वर। मैं उसको नहीं जानता था तभी भी वो था, लेकिन जानने से सारी चिंताएं सारा भय शोक पाने की इच्छा खोने का भय सब चला गया। भगवान ने तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक तो ममैवांसो, दूसरी अष्टदा प्रकृति, तीसरी भगवान ने क्या बात कही? राज विद्या राज गुह्यम, ये विद्या जो आत्मज्ञान के है वो सब विद्याओं में राजा है और बड़ी गोपनीय है। तो गोपनीय तो बुरी बातें भी होती है, लवर लवरियों की डाकुओं की भी गोपनीय बातें होती है, पत्रकारों की भी गोपनीय बातें होती है, चैनल वालों के भी गोपनीय बातें होती है कि किसी के पीछे पड़ो दो चार मिलके बार्गेन करके उसको लौट बेचो या तो उसे दो पांच दस पचास लाख निकालो, होता है ब्लैकमेलिंग वालों के भी तो गोपनीय बात होती है। तो भगवान ये गीता में कौन सा ऐसी, बोले नहीं नहीं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये पवित्र है उत्तम, गोपनीय तो है लेकिन गड़बड़ वाली गोपनीय नहीं है, कितने स्पष्ट बोलते। फिर कहा कहते कि धर्ममय और प्रत्यक्ष फल देने वाली, यज्ञ या करो अभी धुआं चाटो, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा किसने देगा, तप करो ये करो मरने के बाद मिलेगा वो ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या सत्संग जो है जीते जी अभी शोक से रहित कर देता है, बीते हुए का शोक नहीं, आने वाले का भय नहीं और वर्तमान में सतबुद्धि नहीं आसक्ति नहीं, उन सब के बदलाव को जो जानता है वो सत अपना आप हर परिस्थिति का बाप। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, पांडुरंगा ओम, विठल माउली ओम 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 चालू रखा। हरि ओम 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 ओम
गाड़ी चलती अब प्रकाशा में रेलगाड़ी चलती है पंडाल में ऐसा कभी देखा क्या ताली वाली नहीं शांति 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 थक जाएंगे खाली बस सकता है दूसरों को विघ्न नहीं करना बैठो शरबत बांटने वाले चारों तरफ अपना सेवा का जाल बिछाओ पहले माइयों में बांटो माइयां और भाई मिलकर तरबूज का शरबत बांटने की तैयारी करो सगड़े खाली बस हटाए लौकर लौकर खाली बस वापिस गाड़ी चली रे चली गुरु के द्वार ठहरो जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं तो भी शरबत बांटेंगे जो खड़े हैं उनको शरबत नहीं देना अब तरबूज का शरबत है तरबूज में से बनाया है तरबूज समझते ना हाँ अब थोड़ा शक्कर भी डाला है थोड़ा पानी भी डाल सच्ची बात बोलते आप लोग ये महासत्संग याद रखना क्या सत्संग याद रखना है कि हम भगवान के सनातन वंशज हैं मरने वाला शरीर हम नहीं हैं दुखी सुखी होने वाला मन नहीं है उसको हम जानते दुख आया उसको भी हम जानते सुख आया उसको भी हम जानते हैं बचपन आया चला गया जवानी आई चली गई चिंता आई चली गई उसको जानने वाला हम चैतन्य आत्मा है वही भगवान का वंशज तत्व है ये हाड मास का शरीर भगवान का वंशज नहीं है लेकिन ये आत्मा परमात्मा का वंशज है ये पक्का कर लो हम आत्मा है हम फलाना भाई फलाना भाई ये तो शरीर का नाम है जन्म ने क्या रखा है मोहन भाई बोले कहाँ है बोले ये तो छाती है ये तो तेरा खोपड़ी है किधर है मोहन भाई ये तो सुन सुना के थोड़ा व्यवहार चलाने के लिए रखा है व्यवहार में नाम रखना पड़ता नहीं तो कौन किसको कैसे बुला तो कैसे आएंगे कोई इसीलिए अलग अलग नाम रखा चारों तरफ तरबूज के रस बांटने के लिए मोर्चा जमा दो भाई लोग और माई लोग मिलकर माइयों को पहले तृप्त कर दो फिर भाइयों को भी कर दो लेकिन उसके पहले आत्मज्ञान से तृप्त होना ये तरबूज तो बहुत छोटी बात है इसके लिए तुम नहीं आए मेरे को पता है लेकिन गर्मी थी मैं खाऊं तरबूज और आप रह जाए ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगा और तरबूज फीका फीका था तो फिर मैं क्या उसको जूस बना के कर डाल कर बनाने को उधर से सब बोलता रहा अभी तैयार है अब तरबूज का रस पीना है कि भगवान की भक्ति का रस पीना है
तो अभी बांटना नहीं अभी हाँ अभी आप जीभ तालू में लगा दो तो जो सुनोगे उसको मन में विचारोगे तो पक्का हो जाएगा। ये बहुत दिव्य ज्ञान है। हम रात को देर से सोए, परिश्रम था, इसलिए अभी नियम करते करते अर्ग हुए तो आ गए। आज थोड़ा लेट हुए, माफ करना, लेकिन उसका बदला भगवान ने कृपा करके बहुत ऊंचा सत्संग दिला दिया आपने। एक तो हम भगवान के वंशज हैं, दूसरी बात है कि ये शरीर मन बुद्धि और अहंकार ये अष्टधा प्रकृति का है। भगवान उनसे भिन्न है तो हम भी भिन्न है। हम शरीर से भिन्न है पंचभौतिक, मन से भी हम भिन्न है, मन बदलता उसको हम जानते हैं, बुद्धि से भी हम भिन्न है। बचपन में कैसी बुद्धि थी, ध्यान भजन करते तो कैसी ऊंची बुद्धि होती है। शराबी और हरामियों के दोस्ती में हमारी बुद्धि बदलती है, लेकिन हम तो वही के वही होते हैं। और हम अहंकार भी नहीं है। कभी हम बोलते हम दुखी है, ये दुखी होने का अहंकार है। हम सुखी है, सुखी होने का अहंकार है। ये अहंकार बदलता है, लेकिन उसको जानने वाला, मैं बच्चा था तो मैं ऐसा सोचता था, दो दिन पहले मेरा ऐसा विचार था, लेकिन वो विचार जरा गड़बड़ था। मैं अपने को ऐसा मानता था, लेकिन ऐसा नहीं हूं, अभी पता चला। तो मानना अहंकार में होता है। प्रकाशक ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, तो हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। तो जब भी कोई कष्ट आए अथवा सुख आए तो अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की स्मृति करो। भगवान ने फिर चौथी बात और बढ़िया कही कि भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरा भजन स्मरण करते हैं, मंदिर में तो जाते हैं लेकिन भजन भगवान का नहीं करते। मकान ठीक हो जाए, नौकरी हो जाए, ये हो जाए तो भजन संसार का हुआ। भगवान के लिए जो भगवान का स्मरण करता है उसको प्रीति होती है भगवान में। और जिसको भगवान बोलते मेरे में प्रीति होती है, उसके बुद्धि में मैं योग दे देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो भगवान में प्रीति कैसे हो, भगवान प्यारे कैसे लगे। वो कुत्ता है ना, वो कई चप्पल पर पेशाब कर रहा है, पिचकारी मार रहा है, अपने को कुछ भी नहीं, लेकिन अपना बूट चप्पल पर कुत्ता पिचकारी मारने को जरा पैर ऊपर हट आए बैठ के बूट, क्योंकि चप्पल अपना है, बूट अपना है। अपना है तो प्यारा है, अपना नहीं तो किसी का है, तो अपना क्या। जब बूट चप्पल अपना है तो प्यारा हो जाता है। तो ये प्यारा तो सचमुच अपना है ना, ऐसा मानने से भगवान में अपना तो मानने से प्यारे हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि आवश्यकता होती वो वस्तु भी प्यारी हो जाती है। बहुत भूख लगी तो भोजन प्यारा हो जाता है। अभी गर्मी है तो तरबूज का शरबत आपको मिलेगा, बड़ा प्यार से पियोगे। कितना भी देगा आप बोलोगे नहीं नहीं बस बस कम कर दो, ऐसा नहीं बोलोगे। आप सोचते और भी ज्यादा दे तो अच्छा है, क्योंकि आवश्यकता है। तो आवश्यकता से भी प्यार उत्पन्न होता है, अपना तो मानने से भी प्यार उत्पन्न होता है। तो आपको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपको रोटी की, पानी की, कपड़े की, गहने की इतनी आवश्यकता नहीं, वो तो शरीर की आवश्यकता है। जीवात्मा को तो परमात्मा की आवश्यकता है। और परमात्मा की आवश्यकता भूलकर हाड़ मास के शरीर की आवश्यकता को महत्व देते ना, इसी से दुर्गति हो रही है, इसी से हम परेशान हो रहे हैं, इसी से तकलीफें हो रही है। आवश्यकता हमें भगवान की है, क्योंकि हम जीवात्मा है, परमात्मा के वंशज हैं। तो अंश अंशी को मिले बिना निर्दुख नहीं होता, निश्चिंत नहीं होता, निर्भार नहीं होता। जैसे माँ से बच्चा बिछड़ गया, अब कोई दूसरी बाई उसको पकड़ के ले जाए,
जब तक आई नहीं आई तब तक थोड़ी कुछ खाई तो खाई, नहीं तो आई आई है ना। ऐसे आयो की आई तो भगवान है, मावली की मावली तो वही परमेश्वर है। तो जैसे बच्चा माँ के बिना कुछ भी मिल जाए पूरा संतुष्ट नहीं होगा, ऐसे ही जीवात्मा को परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा की प्रीति, परमात्मा की शांति नहीं मिली तब तक कितना भी धन मिल गया, सोने की लंका मिल गई तो रावण क्या संतुष्ट हो गया क्या? हिरण्यकश्यपु में कितना ताकत, यूं नजर घुमाए तो जहां तक उसकी नजर जाए वो सारी जमीन बिना जोते बिना बोए बिना पानी पिला सब में खेती हो जाता था। किसान लोग काट के जाओ बस। समुद्र तट पर यूं देखे समुद्र उछल उछल के हीरे मोती माणिक जो भी होता है समुद्र की संपदा बाहर रख दे, पर्वत और झरनों के तरफ वो नजर डाले तो पर्वत में जो खनिज जो छुपा हुआ सोना चांदी तांबा लोहा जो वो सब बाहर आने लग जाए, ऐसा हिरण्यकश्यपु था। फिर भी हिरण्यकश्यपु ने 7000 वर्ष तप किया था, हिरण्यकश्यपु ने रावण ने, ऐसा सब होने के बाद भी उनको पूरा संतोष तो नहीं हुआ क्योंकि बुद्धि योग नहीं है, भगवान को प्रीति पूर्वक नहीं भजा, एकाग्रता से भगवान की आशीर्वाद अथवा सिद्धि सिद्धियों के द्वारा नए भगवान बन गए। मैं लंकापति रावण, मैं हिरण्यकश्यपु भगवान हूँ। प्रहलाद बोलता है भगवान सब में है, ऐ सब में नहीं, राजा ही भगवान होता है, मैं भगवान। तो इतने आकृति में भगवान ऐसा नहीं, सभी आकृतियों में जो छुपा है। अब ये पांचवी बात और महत्व की है, भगवान क्या? भगवान भगवान तो बोलते तो कौन, शिव भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, तो ये तो हिंदू के भगवान हुए, लेकिन मुसलमानों के लिए भी तो भगवान है, तो भगवान तो एक है। तो फिर हिंदुओं के लिए शिव ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, तो मुसलमान के लिए अल्लाह भगवान अलग है क्या? बोले भगवान क्या है वो सुन लोगे तो सबका भगवान एक है समझ लोगे। चार बातें हैं, भगवान है ना, चार चार शब्द है ना, भगवान। ब माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है वो चैतन्य आत्मा, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है आना जाना, व जिसकी चेतना से वाणी बोलती है, और न ये सब नहीं होते फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वो भगवान है। बोलो ऐसा भगवान कहीं दूर है क्या? कहीं दूर है क्या? दुर्लभ है क्या? परे है क्या? पराया है क्या? एक तो भगवान के लिए प्रीति नहीं है, और दूसरी हमारे में योग्यता नहीं है, ऐसी ग्रंथि आ गई। तीसरा भगवान का दिव्य ज्ञान देने वाले गुरु नहीं, और चौथा संसार के भोग संग्रह आदि की वासना भगवान की प्रीति जगने नहीं देती। नहीं तो भगवान तो सदा सुलभ है, भगवान जैसा सुलभ प्राप्ति की कोई चीज ही नहीं है। फूल पत्ते टहनियों को भी लाओ फिर मसलो, लेकिन यहाँ तो लाना भी नहीं मसलना भी नहीं, खाली स्वीकार करना है। लड़की की शादी हो गई, अब कन्या में से पत्नी बन गई कमला, पहले कमला लड़की थी, अब कमला बहन हो गई, कमला बाई हो गई। अब वो कमला बाई कभी माला लेके घूम पर जपेगी क्या के अब मैं स्त्री हो गई, मैं स्त्री हो गई, मैं पत्नी हो गई, मैं पत्नी हो गई, मैं तुकोबा की पत्नी हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, ऐसा माला घुमाती क्या? अरे बाजार में सब्जी लेने जाए तो भी पत्नी पति की है, और बच्चे को कुछ खिलाती है अथवा बच्चा नहीं हो सासू के पैर दबाती है तो भी पत्नी तो अपने पति के है। ऐसे आप कुछ भी करते जीवात्मा परमात्मा का है ना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं,
ऐसा पक्का कर लो। इससे जो लाभ होगा ना, वो बड़ी बड़ी तपस्या से, व्रत से, वो लाभ नहीं होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये पक्का मान लो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बहुत फायदा होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सुख दुख मरण जीवन ये अष्टधा प्रकृति में है। जैसे भगवान प्रकृति से अलग है, ऐसे हम भी अलग हैं। तो हमारी जात भगवान की जात से मिलती है और शरीर की जात संसार के साथ मिलती है। संसार बदलता है और नश्वर है, लेकिन उसको जानने वाला अबदल आत्मा शाश्वत है। बोले ये ऐसी है वो है। अरे जिस समय तुम्हारे से वो बाई लड़ी थी उस समय ऐसी थी, लेकिन 10 मिनट के बाद उसका ऐसा गुस्सा नहीं है, है क्या? दो दिन पहले आदमी फलाना खराब था, लेकिन तुम्हारे मेरे लिए वो तुम्हारे लिए खराब था, किसी के लिए तो अच्छा भी था ना। तो सुनाओ तात माया कृत और दोष अनेक। ये माया में गुण दोष दिखते हैं। जैसे समुद्र का पानी गहरे में तो एक है, ऊपर कई तरंग, कई मटमेले, कई साफ, कई मध्यम, बुलबुले, भंवर, झाग, सब पानी है, लेकिन ऊपर ऊपर तो सब एक नहीं दिखता है, एक फिर भी अनेक दिखता है। ऐसे सब में एक चैतन्य परमात्मा है, उसी की सत्ता से तुम्हारी हमारी आंख देखती है। आंख भले छोटी बड़ी हो, मनुष्य की या हाथी की हो, लेकिन देखने की सत्ता घास खाता है हाथी और मनुष्य रोटी खाता है। तो भरण पोषण का साधन अलग है, लेकिन भरण पोषण करने की अक्ल और योग्यता और पाचन तंत्र जिसे चलता है भ भ ग वा न, वही का वही। कीड़ी में छोटा दिखता है, लेकिन कीड़ी में भी ज्ञान तो है ना। ये शक्कर है, ये नमक है, ये धुआं है। आज मैं बाथरूम में वॉश बेचता ने, वहां बहुत कीड़ी कीड़ी आ गई थी। ये साहब उनका हाथ लगा के एक दो लीक लकीर मार दिया तो कीड़ी उदा से जाना बंद कर दिया। फिर हवा मारी साबुन की तो कीड़ियां जहां वॉश बेस में इधर उधर बैठी बिचारी मर जाएगी, वो अपने आप चली गई। तो ज्ञान था ना उनमें। अरे कीड़ी तो क्या, मच्छर में कितना ज्ञान। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति मच्छर के आगे हार जाते। हम लोग आप भी हार जाते हैं, क्या हंसते, सच बोलता हूं मैं। मच्छर पहले गाना गाता है कान के आगे और फिर तीर मारता है। ऐसा देखा बहादुर वीर गाए गाना मारे तीर। तो गाना गाना तो ऐसी मजाक की बात है। हमारे शरीर में से पित्त और कफ का रस निकलता है कान में से कचरा, उसकी सुगंध उसको अच्छी लगती है, इसलिए उधर कान के आगे घूम घूम करता है। और फिर बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हाथ खाली, मच्छर ठिंगा दिखा के चला गया। तो हमारी, हमारे राष्ट्रपतियों की बुद्धि से भी बचाव की बुद्धि मच्छर की अपनी स्वतंत्र है। वो ही परमेश्वर भगवान उसके हृदय में भी तो है। उसका आकृति मर जाएगी, लेकिन वो भगवत सत्ता नहीं मरेगी। घड़ा टूट जाता है, लेकिन वो आकाश नहीं टूटेगा। गहना टूट जाएगा, सोना नहीं टूटेगा। तरंग टूट जाएगा, लेकिन पानी तो वही का वही। ऐसा ज्ञान मिलने से और ऐसा ज्ञान पक्का करने से आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। मद भक्ति लभते पराम। जो सत्संग करते हैं और मुझे चाहते हैं, प्रीतिपूर्वक भजते हैं, उनको मैं परा भक्ति देता हूं। तो भक्ति चार प्रकार की होती है। वैदिक भक्ति, मराठा घर में जन्म हुआ तो आंदोलंगा विठला हलियो मिठला, बच्चा बचपन से ही बोलेगा। सिंधी के घर में जन्मा तो आयो लाल झूले लाल, मुसलमान के घर अल्लाह अकबर अल्लाह यासीन अल्लाह, वो छोकरे जान लेंगे। आपके बच्चे नहीं कर सकते, वो करेंगे। तो कुल खानदान
असले बाप वह चंगे लगता सग रही सज्ञान है। अब तरबूज का रस फीका हो गया, भक्ति का रस मीठा लग रहा है ना। तो कुल परंपरा से भक्ति मिले उसको बोलते वैदिक भक्ति। फिर सत्संग मिले, कोई दीक्षा विक्षा मंत्र मंत्र मिले तो अनुरागा भक्ति मिल जाती। ऐसे करते करते जब भगवान ही चाहिए ऐसा पक्का होता है तो भगवान दया करके ऐसा दिव्य सत्संग समझ में आता है और लगते परा भक्ति हो जाती। फिर भगवान के लिए तड़पना बाकी नहीं रहता। भगवान हमसे अलग नहीं, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराए नहीं। अच्छा अब रेलगाड़ी व्हीसल बजाओ। नंदरबार शाहजा डोंडाईचा अभी फास्ट भगाएंगे। बस अब स्लो हो जाएगी। क्या हाल चाल है? यह सत्संग एकदम नया है, पेटी पैक न्यू बुलेटिन है कि नहीं है? अब जो सुना वो जीव तालू में लगाकर उसको पक्का करो। एक तो हम भगवान के वंशज हैं, दूसरा ये शरीर मन बुद्धि अहंकार ये अष्टदा प्रकृति हम नहीं है, ठीक है? और तीसरी बात कौन सी थी बोलो? भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान को प्रीति पूर्वक भजो। चौथी बात कैसी थी कि प्रीति उसी की होती जिसकी आवश्यकता और अपनात्व होता है। इन बातों को आप पक्का कर लो तो हजार वर्ष नहीं 60,000 वर्ष तपस्या वालों को जो चीज नहीं मिली वो चीज शबरी भीलन को हंसते खेलते मतंग गुरु के सत्संग से मिल गई। तुकाराम महाराज की प्रशंसा सुन के शिवाजी महाराज ने अपने मंत्री को और अंगरक्षक को भेजा कि तुकाराम महाराज के पास ये हाथी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, सुवर्ण के अशर्फिया ले जाओ, सीधा सामान सामान सब गहने गांठे वस्त्र आभूषण लेके भेजा। तुकाराम महाराज ने अभंग लिखकर शिवाजी को बोला कि इनकी मेरे को जरूरत नहीं, तुम मेरे को माया में क्यों फंसाते? पांडुरंगा भी तुम क्या मेरी परीक्षा लेते हो? मेरे तो तुम्हारे में प्रीति है, ये हाथी घोड़े कपड़े गहने ये सब मैं क्या करूंगा? इन चीजों से रस आएगा तो आपका भक्ति का रस तो चला जाएगा ना, मेरे को ये सब मोह ममता में मत डालो। पांडुरंग को भी उल्हावना दिया और शिवाजी को भी संदेशा भेजा और सामान वापस भेज दिया। सामान वापस भेजने से शिवाजी के मन में तुकाराम महाराज के लिए श्रद्धा और जागी। जो समय मांगा था कि दर्शन देने के, आज्ञा तो कौन सी तिथि को आऊं, फिर वो समय का इंतजार नहीं करे, वो चल पड़े। तुकाराम महाराज के पास देवगांव पहुंच गए। देवगांव तो पहुंच गए लेकिन शिवाजी के दुश्मन तो शिवाजी की एक एक कदम की जांच रखवाते थे। उनको पता चल गया कि शिवाजी एक दो आदमी के साथ गुपचुप तुकाराम महाराज के पास गए हैं। तो शत्रु ने क्या करा, देहुगांव को पूरा पुलिस और फौज से बंदी बना दिया। फिर कुछ आदमी तो कारा महाराज के सत्संग में घुस के बैठ गए।
अभी महाराज का सत्संग बंद होते ही हम खोज लेंगे, शिवाजी आएगा तब पकड़ लेंगे, उनको मार देंगे। अब हिलचाल हुई तो अंतरात्मा को प्रीति करने वाले संत का हृदय में भी तो प्रकाश होता है ना। तो तुकाराम को हुआ कि शिवा आज तुम्हारे ऊपर कोई आपदा ला रहे हैं, लेकिन तुम भगवान का स्मरण करो, चलो अपन सब कीर्तन करते। कीर्तन करते फिर शांत होते, ऐसा नहीं कीर्तन करके ताली मार मार के अपने को थकाना, इसका नाम कीर्तन नहीं है। इधर उधर की गड़बड़ के लिए थोड़ा करा, फिर थोड़े शांत होना, फिर भगवान का नाम, फिर शांत। तो तुकाराम महाराज जानते थे सब। वो यवन लोगों ने देखा कि अब ये इनको यहीं पकड़ेंगे, और हजारों सिपाही हैं, तो शिवाजी के पास तो कोई सेना नहीं है, दो अंग रक्षक है बस, खास आदमी एक दो बस। लेकिन जिसको भगवान अपना आत्म रूप में दिखा, ऐसा तुकाराम महाराज को पता चल गया, उन्होंने कहा कि शिवाजी आज तो तुम्हारे ऊपर बड़ी आपदा है, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, तुम भगवान में मस्त रहो। ऐसे किसी सत्संग कीर्तन करते करते तुकाराम महाराज ने कहा कि पांडुरंगा, अब मेरा सत्संग सुनने आया और उसको यवन पकड़े और मारे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? कोई सुनाओ अपने अंतरात्मा कोई, वो पांडुरंग दूर नहीं है, तुम ही तो हो ना, मेरा आत्मा जो पांडुरंग है। अब देखे वो कैसा करते हैं। शिवाजी मेरा सत्संग सुनने आए, कीर्तन में आए, सत्संग में आए, और शिवाजी को यवन धोखे से पकड़े। राजकारण में तो धोखा होता है, लेकिन इधर गुरु के पास ऐसा, संत के पास। पांडुरंगा माजा विठ्ठल मावली रक्षमा लंबा उच्चारण करने के समय भगवान के नाम का बीच में संकल्प विकल्प नहीं होता। जैसे हरि ओ अभी जो तेजी से चलाते, जल्दी लाव कर, लाव कर, लाव कर, चलती थामा थामा सोबा नाई तोकते तरबूज का रस बांटना शुरू कर दो, जल्दी 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 बांटो। भाई लोग भी माइयों में बांटने की सेवा करके जल्दी निपटारा करो। भाइयों में भाई बांटो,
माइयों में माइयां बांटो, कैसे भी बैठे बैठे शरबत बांटो, रस बांटो और ऊपर से पीना, ग्लास जूठा नहीं करना, जो ग्लास मिलते ऊपर से पी लो, जल्दी बांटो, भाई लोग भाइयों में, माया माइयों में, रेलवे गाड़ी खड़ी रहो, है ना, थामा, मैं ध्यान रखता हूँ सब तरफ, बराबर बांटो, जल्दी जल्दी बांटो, पियो, ग्लास ऊपर जूठा नहीं करना, ऊपर से पीना, ओए, तृप्ति होती, भाइयों में बांटो, माइयों में बांटो, बांटो बांटो, जल्दी बांटो, आज शाम को नहीं तो कल हम दूसरी प्रसादी ले आए हैं, हरण रसायन, जैसे माँ का दूध बच्चे को पुष्ट करता है, ऐसे ही हरण को भी धात्री कहा, वो हमारे रोगों को निकालकर तंदुरुस्त बनाती, वो हरण रसायन बनाकर 15-15 गोली के पैकेट हम लाए हैं, आज शाम को बांटेंगे, नहीं तो कल सुबह तो जरूर बांट के ही जाएंगे, सब जगह बांटते, दो दो गोली रोज चूसना तो पेट की गड़बड़ ठीक हो जाता है, और कहीं भी शरीर में कोई बीमारी है तो उसको निकाल देगा, अगर ज्यादा लेना है तो 15 रुपए की डब्बी स्टॉल पर मिलती है, नहीं तो 15-15 नंग तो हम इधर कल बांट, आज बांटेंगे या तो सुबह, ठीक है, अभी खाली ये शरबत प्रसादी नहीं है, रसोड़े में भी प्रसादी है, हाँ, और हरण रसायन प्रसादी बाकी है, जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकती, कावीर नहीं होता, कावीर है तो एक दिन में कावीर ठीक हो जाता है, ऐसा मंत्र भी देते दीक्षा के साथ आशीर्वाद मंत्र, कावीर समझते ना, एक दिन में ठीक हो जाता है, 20 लाख रुपया लेते दिल्ली वाले हॉस्पिटल वाले, बंदर की लीवर डालते, छोटा सा बंदर इतना बड़ा आदमी कब तक चलेगा, मारुति वैन का इंजन बस में कितना दिन चलता है, 20 लाख भी जाते आदमी भी जाते बंदर भी मरता है, वो मंत्र देते एक दिन में कावीर ठीक हो जाता है, लीवर ठीक हो जाता है, वो भी जो मंत्र दीक्षा लिया है और फायदा हुआ है हाथ ऊपर करो, मंत्र दीक्षा लिया है लाभ हुआ है तो हाथ ऊपर करो, है भाई या तो रस पीने में लग गई, ठीक है, जिसने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है जो लेना चाहते वे हाथ ऊपर करो, अच्छा तो सकारे सावागे 6:30 बजे कल सुबह 6:30 से 8:30 तक दीक्षा और 8:30 के बाद सत्संग चालू कर देंगे, तो ऐसा गर्मी के पहले पहले सब खाना पीना हो जाए, ठीक है, अरे जल्दी बांटो, क्या बाल्टी लेके मुंह देखते, जल्दी देते जाओ, ग्लास ज्यादा लाओ, जल्दी जल्दी जिसको मिल गया पिया है तो हाथ ऊपर करो, पिया है शाबाश है, जल्दी बांटो, ए कंगली दरिद्र, ज्यादा ज्यादा दे, क्या जरा जरा देती, ज्यादा ज्यादा दो, अब रेलगाड़ी चलती है, ऐसा गाड़ी धुआं भी नहीं, धूल भी नहीं, डीजल भी नहीं, चंगली गाड़ी है, ये कोई इंजीनियर ने आर्किटेक्ट ने नहीं बनाई, हमारे आश्रम के बच्चों ने बनाई है, जल्दी जल्दी बांटो, प्रेम से बांटो, आधा ग्लास से ज्यादा दो, एक एक घूंट क्या देते, जल्दी जल्दी बांटो, जल्दी बांटो, इधर मत देखो मेरे को, उधर दो, पटरियों का फोटो लो, ये रेल का दोनों का लो, ये पटरियों का भी फोटो लेना,
है ना। गाड़ी चली रे चली गुरुद्वार, चलो कीर्तन करते हरिओम विठला। ना है पूरे संसार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, ऐसा सुख ना है पूरे संसार में। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। प्यार ये जब से पाया इनका, प्यार ये जब से पाया इनका, महका कोना कोना दिल का, महका कोना कोना दिल का। दिव्य ज्योति है ये अंधकार में, गाड़ी चली है गुरु के दर ज्योति है ये अंधकार में, गाड़ी चली है गुरु के दरबार में। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। समझो भगाया, दुख दुखों को समझो भगाया। वो ना डूबे कभी मझधार में, गाड़ी
की चली है गुरु के दरबार में, वो न डूबे कभी मझधार में। गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। माथा खाली तरबूज का रस मिला है तो हाथ ऊपर करो, जिसने पिया है हाथ ऊपर करो। जो बाकी है वे हाथ ऊपर करो, जिसको नहीं मिला है वे हाथ ऊपर करो। बांटने वाले हाथ ऊपर अच्छी तरह से करो, जहाँ नहीं मिला है वहाँ पहुँचो, बांटने वाले नजर घुमाओ, नहीं तो खत्म भी हो गया तो दूसरा नया बनाओ। तरबूज बहुत पड़ा है, शक्कर भी बहुत है, जिनको नहीं मिला वे हाथ ऊपर करो। भाइयों में भी बहुत लोग बाकी हैं, दूसरा बनाओ, जल्दी ले आओ। ये क्या सेवादारियों ने आगे आगे पिला दिया, पीछे वालों को छोड़ दिया। जल्दी ले आ सब, ऐसे ही प्रसाद बांटने वाले कुछ को देंगे, नाम करेंगे प्रसाद सबको बांटा, कहा सबको बांटा, बाकी है अभी, जो पी लिया वो जाओ खाओ पियो, रेलगाड़ी चलाओ। आगे जाएगी पीछे, उधर पीछे जाएंगे, घर की गाड़ी है, आपली गाड़ी आई। आप पीछे जाते, चलो फास्ट जाएंगे, फास्ट फास्ट। तरबूज का रस भाइयों में पीछे हिस्से में बाकी है।
अरे सॉरी, आधा ग्लास तो जरा जरा क्या देती है कंजूस। अरे जल्दी बांटो, क्या देखती है, जल्दी जल्दी बांटो। और दूसरा अरे पीछे बांटो, पीछे आ जाओ, ये पीछे जिनको शरबत नहीं मिला हाथ ऊपर करो। हे बांटने वाले, इधर देखो हाथ ऊपर है, इधर आ जाओ जल्दी। उधर आगे आगे क्या बांटते, चेकिंग वाली गाड़ी चल रही है, इधर बांटो जल्दी, ले आओ जल्दी जल्दी लाओ। आनंद ये तो ज्ञान मिलतो, पुण्य होतो, भूख लागली लागली थोड़ी, अभी प्यास में थोड़ा सा शरबत भी अच्छा लगता है, घर में इतना अच्छा अभी आवश्यकता चंगले लगती। गाड़ी चलाऊं? नहीं, वो उधर ग्राहक चले गए। अरे उधर ग्राहक ही होगा ना, उधर ग्राहक ही आप कर रहे हैं, इकड़े बसु। ओ इधर कैसे आ गए, इधर भी आ गए। गुरु हाँ, मुझे पैर छूना। नहीं नहीं, पैर नहीं छूना, दूसरे कोई तमन्ना नहीं बाबू। नहीं नहीं, ऐसे तमन्ना नहीं रखो, ऐसी तमारी पूरी करना, बहुत दिन हो गया, बस हो गया। हेलो सूर्या, जा बस हो गया, हो गया हो गया। ऐसा तुम्हारे पास है क्या, ऐसा धोती है, ऐसा मुकुट है, ऐसा दाढ़ी है, आएगा भी नहीं, मैं देने वाला भी नहीं, तो क्या करोगे। अरे नहीं है तो नहीं है, लेकिन ऐसी दाढ़ी ऐसा जिसके पास है, बापू तो आप ले आए ना, आनंद करा चाहे, दुखी काय होते। चलती रेलगाड़ी
चली रे चली गुरु के द्वार। का फोटो ले ढोंडाईचा आया जाए क्या ढोंडाईचा शाहजा दुलिया दुलिया पाहिजे काय दुलिया नाही प्रकाशा हो boy, control. जल्दी जल्दी बांटो गाड़ी है कि नहीं पक्का ऐसा गाड़ी किधर ही नहीं है तुम्हारा अखबार में लोग देखेगा आइटम है ना फास्ट भी चलती है अभी फास्ट करूंगा फास्ट हो गया ना देखो फास्ट है ना आज का सत्संग अच्छी तरह से याद रखना हम भगवान के वंशज है पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार ये भगवान बोलते मेरे से अलग है तो हमारे से भी अलग है तो जो भगवान का चैतन्य आत्मा है वही हमारा चैतन्य आत्मा है भगवान की जाति के साथ हमारी जाति मिलती है और शरीर की जाति के साथ संसार की जाति मिलती है भगवान को नहीं चाहते ऐसे लोगों को ये ज्ञान जल्दी से पचता नहीं जो भगवान को प्रीति पूर्वक भजते हैं भगवान उनको बुद्धि योग देता है जो संसार में सुखी होना चाहते हैं वे ज्यादा दुखी होते हैं संसार दुखालय है भगवान ही सुख स्वरूप है जन्म का दुख बुढ़ापे का दुख नपास होने का दुख बीमार होने का दुख और कितना कितना दुख गिन नहीं सकते जरा सा सुख फिर दुख दुख इसीलिए दुखालय संसार में से बचना है तो राज विद्या राज गुई हम सब विद्याओं में राजा विद्या है आत्म विद्या वो पवित्र है उत्तम है और करने में सुगम है और प्रत्यक्ष फल देती है एमबीए भी क्या फिर जॉब करो तब मिले नहीं
लाखों अनजॉबरों को भी आप जॉब दे सकते हैं, ऐसा राज विद्या है। अशोक चव्हाण इसके पापा, खड़ी हो जा, 3000 की नौकरी करते थे, अभी दीक्षा लिया 17 लाख तो इनकम टैक्स भरते साल में, महीने में साल में 36000 की तो नौकरी थी, अभी साल में 17 लाख इनकम टैक्स भरते। ये इनका दो, ये तो नई जगह पे आए, इनको माइक दो। अशोक चव्हाण उधर वहां खड़े रहे, लोग देखे, मेरा नाम अशोक चव्हाण है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम हरीश चव्हाण है। गलती, हरीश चव्हाण, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। जब मैंने बापूजी दीक्षा ली थी, मेरे को 3000 रुपये महीना मिलता था। दीक्षा नहीं लिया तब 3000 रुपये महीने का नौकरी था। इतनी मुश्किल थी कि 1 रुपया बैंक में नहीं था, बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजरती थी। और मुझे पापी को बापू का सहारा मिला और रोज मेरा जीवन बदलते चले गया, रोज बदलते चले गया। अब तो आलम यह है बापूजी कि आप ही हमारे जीवन के कर्णधार हो। आप तो बापूजी 17 लाख रुपया कितना भरते हैं? कई साल इनकम टैक्स मैंने 17 लाख रुपये व्हाइट में पे किया, 51 लाख रुपये बापू ने मुझे कमाई करके दिया। मैं बापू का अत्यंत ऋणी हूँ। मराठी में सांगा ना। माझं नाव हरीश चव्हाण आहे, मी औरंगाबाद राहत असून नीतीतून आलेलो आहे। मी जेव्हा बापूजी दीक्षा घेतली, खूप गरीब होतो, लाचार होतो, मजबूर होतो, पण बापूजी दीक्षा मला मिळाली, मला मासिक वेतन 3000 मिळतो होतो, 3000 रुपये मला पगार होता मला, है ना। आणि जीवन खूप अत्यंत कठीण चालू होतं माझं, पण बापूजी मला शरण मिळाली, बापूंनी मला स्वीकारलं, मला दीक्षा दिली बापूजींनी, आणि जीवन एकदम बदललं। गेल्या वर्षी मी इन्कम टॅक्स म्हणून 17 लाख रुपये पे केलेले आहे। ही संपूर्ण माझ्या बापूंची कृपा आहे, गुरुची कृपा आहे माझ्यावर अवलंबून। मी एकच शब्द म्हणू शकतो, दोन रुत बाय मेरे सर को तेरे दर से मिला है गुरुदेव, हालांकि ये सर भी आपके दर से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है मेरे सदगुरुदेव, हमको तो मुकद्दर भी आपके सिर चरणों में मिला है, आपके सिर चरणों मिला है। हे मेरे गुरुदेव, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी भाग्य का लेखा बदला जब से देखा जोगी तुमको, भाग्य का लेखा बदला जब से देखा जोगी तुमको, धरा पे आकर जोगी ने कृतार्थ किया है हमको, धरा पे आकर जोगी ने कृतार्थ किया है हमको, जोगी रे का जादू है तुमसे ज्ञान में, हरि ओम हरि को पाया चैन है आया, दुख सभी का मिटाया, जोगी को पाया चैन है आया, दुख सभी का मिटाया, मार्ग दिखाया अपना बनाया, सत्य सार समझाया, मार्ग दिखाया अपना बनाया, सत्य सार समझाया, ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुझे प्यार में, जोगी खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बटती, खुशियों की वर्षा यहाँ होती, ज्ञान की दौलत बटती,
दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती, दुख निराशा शोक उदासी क्षण भी यहाँ न टिकती। ये थे योगी में क्या जादू है मेरे प्यार में, योगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, विठ्ठल हरि हरि, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि, ओम हरि हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इनपे ठहरा, देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इनपे ठहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उतना जोगी गहरा, जितना प्यारा जितना सलोना उतना जोगी गहरा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, योगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती। तुम अमृत बरसाते हो जोगी, तुम अमृत बरसाते हो जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, क्या जादू है तुम्हारे चोग में। ती चुनरिया जोगिन आन छुड़ाई आंबा की डाल, ती चुनरिया जोगिन आन छुड़ाई, जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। होए होए जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। आंबा क्या है और चुनरिया क्या है, संसार रूपी आंबा है और बुद्धि रूपी चुनरिया है, वो फंस गई और जोगी गुरु लीला सभा उन्हें छुड़ाई। अब मेरी बुद्धि बोलती है हम उनको पराई नहीं लगे, बुद्धि गुरुजी हमारी अपनी बुद्धि समझे, बस बेड़ा पार हो गया ना। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई, जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। पिता जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। यहाँ नित्य है उत्सव लगता, यहाँ नित्य है उत्सव लगता, तेरे द्वार पे भाग्य चमकता, तेरे द्वार पे भाग्य चमकता। तुम सागर हो खुशी का ओ जोगी, तुम सागर हो खुशी का ओ जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी की
की हर बात निराली सब भक्तों को भाए, जोगी की हर बात निराली सब भक्तों को भाए। बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए, बिन सावन के बरसे खुशियाँ जोगी नजर जब आए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है जान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी झूमे लगे है सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं बसंत जैसे छाया। होए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे हरे जोग में। हरि ओम हरे, हरि ओम हरे, पांडुरंगा हरे, पांडुरंगा हरे, माजा विठ्ठल हरे, माजा विठ्ठल हरे, गुरु मावली हरे, गुरु मावली हरे, विठ्ठल मावली हरे, विठ्ठल मावली हरे, हर दिल में हरे, हर दिल में हरे। जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता, जो श्रद्धा भाव से इनके ज्ञान में मारे गोता। बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता, बिना मांगे वो सब पाए उसी का मंगल होता। जोगी के प्रेम के आगे लगे हैं हर सुख छोटा, जोगी के जोग के आगे लगे हैं हर सुख छोटा, जोगी के ज्ञान के आगे लगे हैं हर सुख छोटा। होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी अब तो हमको है सजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। जी जोगी 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 आए तेरे द्वार पे, जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। नारायण नारायण। शाम का सत्संग होगा, शाम को हरड रसायन प्रसाद बांटने की तैयारी रखनी पड़ेगी, देखना। और कल सुबह दीक्षा का कार्यक्रम 6:30 to 8:30 के बीच, और फिर 8:30-9 के बदले 8:30 सत्संग और साधना शुरू कर देंगे। कल उन पुराने साधकों को आशीर्वाद मंत्र मिलेगा जिससे
हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी कभी ना हो, लो बीपी कभी ना हो, पति पत्नी के झगड़े हो तो 10 माला जप करने से थोड़े दिन में झगड़े मिट जाए, कावीड़ हो तो 50 माला जप करने से एक दिन में मिट जाए, और शनि देवता का ग्रह हो तो भी एक दिन में मिट जाए, वो भगवत प्रसाद का मंत्र भी कल दिया जाएगा पुराने साधकों को भी नए साधकों आता माला जाऊ दिया। हरिओम हरिओम, मौज हो गई, तेरा संकल्प फल गया।